शिवसेना के एक आगू हरविंदर कुमार सोनी ने जिहड़ा सिख धर्म का मैं कहांगा सब दा ही हिंदुआ का भी एक बहुत ही पवित्र स्थान जिथे दुनिया भर तो हिंदू सिख होर भी धर्मां दे लोग जिहड़े आके नतमस्तक हुंदे आ श्री दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब बारे जो टिप्पणी करके भाईचारे नूं तोड़न का प्रयास किया शिवसेना का इस बयान दे नाल किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। साड़ी पार्टी मैं पहला भी किया कि समाज नूं धर्म नूं लोगों नूं जोड़न दे विच विश्वास करती है ना कि तोड़न दे विच। लेकिन यह जे कुछ लोग जिन्हां दा मकसद पता नहीं की है सानूं तां इदां भी लगता कि कुछ वड्डे पद्धर दे उत्ते राजनीति हो रही है कि शिवसेना दे नाम नूं किस तरीके नाल खराब किया जाए किदा आपस दे विच भाईचारे दे विच पाड़ पा के उस भाईचारे नूं जिहड़ा लांभू लाने की कोशिश कर जा रही है। तुहानूं सब नूं दसन ही लाई होए हैं कि साडा इस निजी लोगों के जिहड़े बयान ने जिहड़े गैर जिम्मेदाराना बयान ने मैं कहांगा जिस बयान दे नाल साढ़े सिख भाईचारे दे साढ़े हिंदू भाईचारे दे क्योंकि सारी दुनिया तो जिहड़े सिख भाईचारा हिंदू भाईचारा उस स्थान पर जाके नतमस्तक हुंदा श्री हरिमंदर साहब बारे असी ख्वाब दे अंदर भी नहीं सोच सकते सी जो बयान एक व्यक्ति जिहड़ा शिवसेना दे नाल ही जुड़िया हरविंदर सोनी जो गुरदासपुर नाल संबंधित है और जिथे अज काफ़ी विरोध भी हो रहा सो किते साढ़े भाईचारे दे विच कोई दरार ना आ जाए साढ़े भाईचारे नाल जिहड़े लोग जुड़े है उन्हां दे अंदर कोई शिवसेना का गलत सुनेह ना चले जाए। सो साडा अज स्टैंड स्पष्ट करना बिल्कुल बनता सी ते असीं उह कर रहे हां कि साडा शिवसेना का यह जे बयान दे नाल कोई भी लैण देण नहीं है। तुहानूं याद होएगा कि अज तो करीब 1.5 साल पहला शिवसेना ने शिवसेना बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय नेतृत्व तो आए राष्ट्रीय संगठक श्री अशोक तवाड़ी साहब ने पंजाब के वक् वक् जिलों के अंदर जाके प्रेस दे विच इस गल दे लई पहला ही दस दिता सीगा कि असी जिहड़ा 6 जून जिहड़ा पूरे पंजाब के माहौल खराब करन नूं लैके ऐसा दिन जो समा बीत चुकिया जिस दिन ना तो कोई इंदिरा गांधी या बेअंत सिंह जी की ना जन्म जयंती है ना कोई बरसी है तो ना ही कोई होर जनरल नवैदिया जी की या तमाम इन शख्सियतों की कोई भी उस दिन जन्म जयंती या फिर शहीदी दिवस नहीं है। लेकिन फिर भी साडे सिख भाईचारे के उन्होंने जख्मों के उत्ते जो समा बीत चुके है उस संताप नूं उस काले दौर नूं अज ना तो हिंदू भाईचारा याद करना चाहुंदा ते ना ही जिहड़ा देश नूं प्यार करन वाला सिख भाईचारा जिहड़ा उस दौर नूं याद करना चाहुंदा क्योंकि बहुत वड्डा नुकसान मैं समझदा होया 36,000 दे करीब बेगुनाहां दी उदों जान चली गई साडे बहादुर सेना दे जवान पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब पुलिस दे जवानां दी शहादत हुई जिस तों बाद पंजाब दे अंदर अमन ते शांति दा माहौल स्थापित होया। उस पवित्र स्थान दे बारे शिवसेना नाल संबंधित गुरदासपुर तों आगू हरविंदर सोनी दा बड़ा माड़ा बयान सामने आना सानूं जिदां ही अज पता लग्गिया कि यह बयान कोई दिता गया इस व्यक्ति वल्लों साडे पंजाब दे आदरणीय प्रधान श्री योगराज शर्मा जी वल्लों ये पूरे पंजाब दे शिव सैनिकां नूं सुनेहा देण दे लई अज मैं लाई होया कि इह जे लोकां दा लोकां दी कचहरी जाके जरूर जवाब दिओ लोकां नूं इस गल तों जाणू करवाओ कि साडा इस इहो जे बयानां दे नाल जिहदे नाल पंजाब दा भाईचारा खराब होवे पंजाब दा माहौल खराब होवे शिवसेना दा कोई भी लैणा देणा नहीं है। ठीक है असी विदेशों में सरगर्म उन्हां कट्टरपंथियों के खिलाफ हाँ जिहड़े देश नूं तोड़ना चाहते हैं पंजाब दे विच माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन जिहड़ा बयान किसी भाईचारे नूं खासकर साढ़े सिख भरावां नूं उन्हां दे सिरमौर स्थान श्री हरिमंदर साहब बारे टिप्पणी की जाए वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होएगी। मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं पंजाब दे आदरणीय DGP साहब श्री गौरव यादव जी नूं और खास करके गुरदासपुर के SSP IPS श्री दीपक हलोरी जी नूं भी मैं बेनती करना चाहुंदा कि तुसी जो भी लोड़ींदा कार्रवाई करते हो
इस मसले दे विच शिवसेना बिल्कुल दखल नहीं देगी और कोई पैरवाई नहीं की जाएगी यह जे बयान की। तुहानू याद होना कि 6 जून का जरा कार्यक्रम पूरे पंजाब दे विच कुछ आप महाजागू करते हैं केवल तो केवल सिख भाईचारे को उन्होंने जख्मों के उपर लून छिड़कन के लिए। उस कार्यक्रम की सब तो पहलकदमी करते हुए शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने इस गल का ऐलान किया। साढ़े पंजाब के प्रधान श्री योगराज शर्मा जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व में यह गल की कि पंजाब के भाईचारे के दरार पाने के लिए 6 जून एक जरिया बनाया जाता और 6 जून उन्होंने जख्मों के उपर लून छिड़किया जाता। साढ़े पंजाब के आदरणीय अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी ने इस गल के लिए भी साफ तौर पर कर दिता है कि कोई भी शिव सैनिक जिहड़ा शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाल संबंधित है वह किसी भी धर्म के खिलाफ जो कोई बोलता एदा किसी नूं अधिकार नहीं मिलिया उहदा जिम्मेदार खुद होएगा तो प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान शिवसेना किसी भी तरह के नाल उस शिवसेना के नाल नहीं खड़ेगी। तुहानूं इह भी याद होना कि पटियाला के अंदर 29 अप्रैल 2022 हरीश सिंगला नाम का एक व्यक्ति जिहड़ा बहुत लंबे समय तो बेशक शिवसेना जुड़िया सी जिहदी मंशा किसी विशेष राजनीतिक दल नूं खुश करन दी सीगी उन्हें इस तरीके दे नाल पंजाब दे अंदर अग लाने लई बहुत वड्डा उपराला किया। पटियाला दे अंदर जदों पटियाला दे अंदर हिंसा का माहौल पैदा हो गया पूरे पंजाब नूं अग लाने दी एक कोशिश की गई साढ़े सिख भरावां दे अंदर एक बहुत वड्डा रोष पूरे पंजाब सीगा। उदों भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने माणयोग प्रधान श्री योगराज शर्मा जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के ध्यान च लिया के इस मामले में हरीश सिंगला नूं पार्टी तो बाहर का रस्ता दिखाया तो उदों भी असी यही स्टैंड अपना स्पष्ट किया कि असी भाईचारे नूं जोड़न दे विच विश्वास करते हैं हिंदू सिख जिहड़ा 9 मास का रिश्ता उन्होंने असी बरकरार रखने लई हर रोज़ कदम चुकने लई वचनबद्ध हां जो सानूं चुकना पिया। साढ़े पंजाब के अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी भी लाइव नाल जुड़े ने और वह भी इस गल के लिए पूरे पंजाब के शिव सैनिकों को सुनेहा दे रहे हैं आदेश दे रहे हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ जे कोई शिव सैनिक टिप्पणी करता तो वह जिम्मेदार वो खुद होएगा तो प्रशासनिक प्रशासन नू, पुलिस प्रशासन नू, ते सरकार नू, असी खुद अगे होके उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बेनती करांगे क्योंकि शिवसेना की छवि किसी भी कीमत पर बिगाड़न का जरा कोई साजिश है उन्होंने कामयाब नहीं होने दिता जाएगा। जो अज गुरदासपुर के अंदर माहौल बिगाड़न लैके ये बयान दिता गया वो सख्त शब्दों के निंदा करते हैं किसी व्यक्ति नहीं किसी भी शिव सैनिक नहीं किसी के धर्म के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जे कोई बंदा माड़ा कार्ज करता तो वो असी सरकार नूं प्रशासन नूं बेनती कर सकते हैं। अज लोड़ है साढ़े पंजाब दे जो पिछली सरकार ने गलतियां कीतियां जे अज सरकार नूं एक एड्डा वड्डा फतवा जारी करके पंजाब दे लोकां ने चुनिया तो सरकार नूं भी जागना होएगा। पंजाब दे प्रधान श्री योगराज शर्मा जी वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं बेनती है कि अज लोड़ है तुहानूं जागण दी जिते असी उन्हां कट्टरपंथियां दा उन्हां खालिस्तानी अत्तवादी ताकतां दा विरोध करते हैं उत्थे असी पंजाब दे विच इक कुछ जिहड़े आप महाज शिवसेना दा नाम खराब करन दे लई लीडर बने हैं इन्हां दे भी असी बयानां दी कड़ी निंदा करते हैं तुहानूं बेनती करते हैं कि इन्हां नूं जांच दे घेरे विच लैके इन्हां दी पूर्ण तौर पर जांच की जाए कि किहड़े उह राजनीतिक दल ने किहड़ियां राजनीतिक ताकतां दे मगर लग के जिते शिवसेना दा नाम खराब करन दी प्रयास कर रहे हैं उत्थे पंजाब दा जिहड़ा शांतिपूर्ण माहौल है उहनूं भी खराब करन दी प्रयास कर रहे हैं। पंजाब दे विच हाल ही दे अंदर जिहड़ा ये एक बंदा बाहरों डिपोर्ट करके आ गया जिन्हों मैं समझदा पूरी प्लानिंग दे नाल उसे पुराने दौर के अंदर लिया दे लई जिहड़ा इहनूं भेजिया गया अमृतपाल नाम का जिहड़ा व्यक्ति है अज सिख जथेबंदियां भी उहदे विरोध दे विच ने। अकाली दल ने भी हाल ही दे अंदर पिछले दिन एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके अमृतपाल नूं ड्रामेबाज दसिया तो मैं और साढ़े पंजाब के प्रधान श्री योगराज शर्मा जी ने पिछले कुछ दिनों तो जो सूरी जी का हत्याकांड होया जो डेरा प्रेमी का कतलाकांड होया क्योंकि पंजाब के लोगों कितने ना कि
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਸਿਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮੋਰ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ ਸਾਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਲਗਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੁਛ ਆਪ ਮਹਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਆਏ ਦਿਨ, ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੇ 1966 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 88 720 86 777 88 720 86 777। ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਮਹਾਂਸੰਗਠਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋਦਮ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਮਾਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ,
88720 86777 88720 86777 उस नंबर के उत्ते फोन करके जरूर शिवसेना का पक्ष लवो कि भी कि शिवसेना ये किहड़ा संगठन है जिहड़ा पंजाब दे विच आए दिन विदेशी ताकतां दे विरोध की आड़ दे विच खुद जिहड़ा भागीदार बन जांदा पंजाब दे विच भाईचारा खराब करदा और मजाक बना दिंदा पूरे पंजाब दे अंदर साडी समाज का मजाक बनदा साडा इहो जिहे संगठनां नाल इहो जिहे लोकां नाल किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है साडी लड़ाई केवल तो केवल देश नूं तोड़न वाले कट्टरपंथियों नाल है ना कि साडे भाईचारे दे नाल किसी धर्म दे नाल है बहुत बहुत धन्यवाद जान तो पहला मैं फिर तुम दसना चाहना कि जिहड़ा हरविंदर सोनी नाँ दे व्यक्ति ने बयान दिता है श्री हरिमंदर साहब बारे वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बहुत ही निंदनीय है असी भी कड़े शब्दों की निंदा करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी तो और डी जी पी श्री गौरव यादव जी तो मंग करते हैं कि लोड़ींदा कार्रवाई अमल च लिया जाए शिवसेना किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई के नहीं आएगी बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम।